माशाल्लाह से इतनी जबरदस्त चिकन और करेले की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसको कैसे बनाया है और कितने इंग्रेडिएंट्स में बनाया है तो इसको देखने के लिए फुल वॉच कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह से जबरदस्त, जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो देखें फुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गर्मियाँ जैसे कि स्टार्ट हैं, करेलों का मौसम आ गया है, तो चलें जी आज हम बनाते हैं करेले और चिकन। तो उसके लिए करेले मैंने ले लिए हैं 1 kg। और सबसे पहले हम करेलों को छील लेंगे अच्छे से। देखें इसकी हम ऊपर से ये इस तरह से खाल उतार लेंगे, ज़्यादा नहीं उतारेंगे, बहुत ही कम ही यानी कि उतार लेंगे, क्योंकि इसको ना भी उतारे तो कोई इशू नहीं, लेकिन कुछ लोग नहीं खाते तो इसीलिए इसको पहले हम रिमूव कर लेंगे इसका ये ऊपर वाला पार्ट अच्छे तरीके से। ये देखें सारे इस तरह से हम छील लेंगे और बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। ज्यादा गर्मियों में इनका मजा आता है खाने का। देखें इसको हम कर लेंगे इस तरह से कट, बीज में इसके निकाल लूंगी। देखिए इस तरह से कट हो जाएगा। देखिए चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे हाथों से ही निकाल लिए हैं। चलें जी इसको हम इस तरह से साफ करके सारे इस तरह से मैं रखती जाऊंगी, सबको इसी तरह से मैं रिमूव कर लूंगी अच्छे से। कुछ लोग गोल शेप में काटते हैं, कुछ लंबाई में काटते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो जी जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूला करें। इससे ये होता है कि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले चैनल पे आप तक पहुंचती है। तो अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें जी। चलें जी देखें चम्मच हम ले लेते हैं, उससे निकालते हैं। चलें देखें इस तरह से अब सारे साफ करके मैं रखती जाऊंगी। देखें चलें जी, तो चलें जी सारे मैंने इस तरह से साफ करके कटिंग करके रख ली है। अब मैंने ना एक ये करेला लिया, ये दोनों को ऊपर रख लेंगे इस तरह से और इस तरह की हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह ना बड़ा आसानी से हो जाता है, मैंने ना ज़्यादा बारीक नहीं कटिंग की है, क्योंकि आपको पता है ये स्लिंग होके ना छोटे छोटे हो जाते हैं। इस तरह से ना हम सारे करेलों की कटिंग कर लेंगे। देखें इस तरह से मैं दो दो रखती जाऊंगी और इनकी कटिंग करती जाऊंगी। चलें जी देखिए करेलों की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब इसमें ना हम लगा देंगे 2 चम्मच नमक, जैसा कि हम अपने अम्मी से नानियों दादियों से सुनते आए हैं कि इस तरह करेले की जो कड़वाहट है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो यकीनन ऐसा होता भी है। इसको ना हम ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, सिर्फ 20 मिनट के रखेंगे। तब तक मैं कर लेती हूँ चिकन वॉश और प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ। चलें जी इसको 20 मिनट के लिए हम रख देंगे नमक लगा के। चलें जी अब प्याज मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1.5 से भी ज़्यादा है, टमाटर लिए हैं 3 अदद और ये 6-7 सब्ज़ मछली, इनको अब हम कट कर लेंगे। किसी तरह भी हम कट कर लेंगे, बारीक लंबे जैसे आपका दिल करे। चलें जी सबसे पहले हम करेंगे टमाटर कट। बिस्मिल्लाह, टमाटर भी आप जिस तरह मर्जी कटिंग कर लें, कोई इशू नहीं है। सारी सब्जियां अच्छे से हो जाएंगी कट। और किस किस ने अब तक करेले कितने दफ़ा बना लिए हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हर किसी का तरीका डिफरेंट होता है, हर कोई अपने तरीके से बनाता है, लेकिन यकीन करें जिस तरीके से मैं आज करेले बनाऊंगी ना, आप लोग लाजमी बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसे बने हैं, ठीक है। चलें जी टमाटर भी हमारे तकरीबन हो गए हैं कट अच्छे से। चलें जी इसी तरह सब्ज़ मिर्च भी मैंने कट कर ली है टमाटरों के साथ ही। प्याज भी मैं ऐसे ही कटिंग कर लूँगी, लेकिन वो मैं लहदा रखूँगी, रफली से चॉप करने हैं। आपको पता है करेलों में तो ऐसे प्याज भी हों जितने ज़्यादा वो अच्छे लगते हैं, चाहे चिकन भी हो साथ। चलें जी अब हमने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे
अब हम सबसे पहले डालेंगे इसमें करेले, ताकि जो पानी वगैरह ना वो अच्छे से खुश्क हो जाए। इसको हम करेंगे खुश्क। कुछ लोग वैसे कपड़े में डाल के निचोड़ के खुश्क कर लेते हैं, लेकिन हम इसी तरह से करते हैं। जब ये खुश्क हो जाएंगे, कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे ऑयल। चलें जी, अब हम इस स्टेज पे आके इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल आप अपने करेलों के हिसाब से डालें। ये 1 किलो की रेसिपी है, देख लें आप। थोड़ा सा और जाएगा। चलें जी, क्योंकि तो करेलों में ना घी थोड़ा ज़्यादा हो ना तो फिर ही अच्छा लगता है। चलें, अब इसको हम गोल्डन होने तक पकाएंगे। हो गए, इनको अब हम निकाल लेंगे। आँच हल्की कर देंगे। चलें जी, अब मैंने डाल लिया है चिकन उसी ऑयल में जिसमें करेले किए थे। अब हम चिकन को करेंगे अच्छे से फ्राई, कलर चेंज होने तक पकाएंगे। चलें जी, अब चिकन को मैंने अच्छे से कर लिया है फ्राई। इसको अब हम इसको भी निकाल लेंगे। और ये इतने कम मसालों से बनेगा ना करेले गोश्त, के यकीन करें। ये मेरी आपी की रेसिपी है और वो ही बना रही हैं, मैं जस्ट बोल ही रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने बोलना नहीं है। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और देखिएगा मसाले भी कितने कम होंगे, अदरक लहसुन तक नहीं जाएगा इसमें। इससे आगे और क्या होगा, आप लोग देखना इसको इस तरह से कितने मज़े के बनते हैं। चलें जी, अब इसी ऑयल में हम डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने आपको दिखाए थे कितने लेने हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलो, जब हम प्याजों को गोल्डन होने देंगे, नहीं बस पानी, सिर्फ पानी ही कुछ करना है, क्योंकि मैं उनसे पूछ पूछ के आपको बता रही हूँ ना, रेसिपी जो उनकी है। वो कह रही हैं कि जस्ट हम इसका पानी ही कुछ करेंगे। चलें जी, अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस, सिर्फ मिर्च है, नमक और हल्दी, बस तीनों चीज़ें, और कोई भी चीज़ हमने ऐड नहीं करनी इसमें। पानी तक नहीं लगाना है इसको, ये देख रहे हैं आप। इसको भुनेंगे 5 से मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए, हल्की आंच पे। 7 मिनट हो गए, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च। बर्तन को अच्छे से साफ कर लेंगे। अब इसको भुनेंगे। चलें जी, अब टमाटरों ने भी अपना पानी अच्छे से खुश कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी करेले, जिनको मैंने फ्राई करके निकाल के रखा हुआ था। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी चिकन, जिसको मैंने पहले फ्राई किया था, देख लें। अब इसको ना हम 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए ना हल्की आँच पे ना रख देंगे दम पे, क्योंकि हर चीज़ पहले से फ्राई हुई हुई है। सिर्फ हमने दम देना है इसको 5 मिनट के लिए, फिर मज़ेदार से चिकन और करेले तैयार हैं, बहुत ही कम मसालों से। चलें जी, 5 मिनट हो गए, अब हम इसको हिला लेंगे अच्छे से। और इसमें मैंने कोई भी और मसाला नहीं ऐड करना, ज़बरदस्त। आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से करेले हमारे हो गए हैं फिर रेडी, ज़बरदस्त से। चलें जी, माशाल्लाह। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूंगी कल न्यू रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।